दोस्तों 2022 का आईपीएल खत्म हो चुका है। 2022 में जॉस बटलर ने सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप के विनर बने। वहीं 2008 से लेकर 2022 तक कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जो ऑरेंज कैप के विनर बने, जानेंगे इस वीडियो में। आईपीएल 2008 के ऑरेंज कैप विनर थे शॉन मार्श। शॉन मार्श ने 2008 में किंग इलेवन पंजाब की तरफ से खेले थे। शॉन मार्श ने आईपीएल के पहले साल ही 14 पारियों में 616 रन बनाकर आईपीएल का पहला ऑरेंज कैप विनर का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। आईपीएल 2009 के ऑरेंज कैप विनर थे मैथ्यू हेडन। मैथ्यू हेडन ने 2009 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए 12 पारियों में 573 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम किया था। इस सीजन में इन्होंने 5 हाफ सेंचुरी लगाई थी। आईपीएल 2010 के ऑरेंज कैप विनर थे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने 2010 में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए 15 पारियों में 618 रन बनाकर 2010 में ऑरेंज कैप अपने नाम किया था। आईपीएल 2011 के ऑरेंज कैप विनर थे क्रिस गेल। क्रिस गेल 2011 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से खेलते हुए 12 पारियों में 608 रन बनाकर 2011 में ऑरेंज कैप अपने नाम किया था। क्रिस गेल ने इस सीजन में 5 हाफ सेंचुरी और 2 सेंचुरी लगाई थी। आईपीएल 2012 के भी ऑरेंज कैप विनर क्रिस गेल ही थे। 2012 में भी क्रिस गेल रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की तरफ से खेलते हुए 14 पारियों में शानदार मैच खेलते हुए 733 रन बनाकर 2012 में ऑरेंज कैप अपने नाम किया था। क्रिस गेल ने इस सीजन में 7 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी लगाई थी। आईपीएल 2013 के ऑरेंज कैप विनर थे माइकल हसी। माइकल हसी 2013 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए 14 पारियों में 733 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम किया था। माइकल हसी ने इस सीजन में 6 हाफ सेंचुरी लगाई थी। आईपीएल 2014 के ऑरेंज कैप विनर थे रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा का साल 2014 बहुत ही अच्छा गया था। रॉबिन उथप्पा ने इस साल केकेआर की तरफ से खेलते हुए 16 पारियों में 660 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम किया था। इस सीजन में रॉबिन उथप्पा ने 5 हाफ सेंचुरी बनाई थी और कोलकाता नाइट राइडर्स 2014 में चैंपियन भी बनी थी। आईपीएल 2015 के ऑरेंज कैप विनर थे डेविड वार्नर। डेविड वार्नर 2015 में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए 14 पारियों में 562 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम किया था। इस सीजन में डेविड वार्नर ने 7 हाफ सेंचुरी बनाई थी। आईपीएल 2016 के ऑरेंज कैप विनर थे विराट कोहली। 2016 विराट कोहली के लिए किसी सपने से कम नहीं था। 2016 में विराट कोहली ने आरसीबी की तरफ से खेलते हुए 16 पारियों में 993 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम किया था। इस सीजन में विराट कोहली ने 7 हाफ सेंचुरी और 4 सेंचुरी लगाई थी। आईपीएल 2017 के ऑरेंज कैप विनर थे एक बार फिर से डेविड वार्नर। 2017 में डेविड वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए 14 पारियों में 641 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम किया था। इस सीजन में डेविड वार्नर ने 4 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी लगाई थी। आईपीएल 2018 के ऑरेंज कैप विनर थे केन विलियमसन। 2018 में केन विलियमसन सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए 17 पारियों में 735 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम किया था। इस सीजन में केन विलियमसन ने 8 हाफ सेंचुरी बनाई थी। आईपीएल 2019 के ऑरेंज कैप विनर थे एक बार फिर से डेविड वार्नर। 2019 में डेविड वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए 12 पारियों में 692 रन बनाकर आईपीएल में 3 बार ऑरेंज कैप अपने नाम किया था। इस सीजन में डेविड वार्नर ने 8 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी बनाई थी। आईपीएल 2020 के ऑरेंज कैप विनर थे केएल राहुल। 2020 में केएल राहुल किंग इलेवन पंजाब की तरफ से खेलते हुए 14 पारियों में 670 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम किया था। इस सीजन में केएल राहुल ने 5 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी बनाई थी। आईपीएल 2021 के ऑरेंज कैप विनर थे ऋतुराज गायकवाड़। 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए 16 पारियों में 635 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम किया था। इस सीजन में ऋतुराज गायकवाड़ ने 4 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी बनाई थी। आईपीएल 2022 के ऑरेंज कैप विनर हैं जॉस बटलर। 2022 में जॉस बटलर ने राजस्थान की तरफ से खेलते हुए 17 पारियों में 863 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम किया। इस सीजन में जॉस बटलर ने 4 हाफ सेंचुरी और 4 सेंचुरी बनाई। दोस्तों ये रहे 2008 से लेकर 2022 तक के ऑरेंज कैप विनर।